विक्रम सिंह जी, क्या लगता है आपको इस खुलासे के बाद? आपका स्कॉटलैंड यार्ड अब ऐसा लग रहा है कि किसी छोटी स्टेट की क्या बोलते हैं वो SIS सिक्योरिटी एजेंसी टाइप हो गया है। डंडा लेके खड़े रहो, जो आए उसका नाम लिख लो, जो जाए उसका नाम लिख लो, और ठीक से वो भी नहीं लिख पा रहे हैं। ये डंडा वाली पुलिस आपकी स्कॉटलैंड यार्ड कब से बन गई? ममता जी से कहना है थोड़ा बीच में ना बोले, ये बीच में आ जाती है ना तो फिर सारी बात अधूरी रह जाती है। देखिए, दिशा सालियान के परिवार वालों ने मान लिया है कि ये सुसाइड है, और बाद ये दावे किए जा रहे हैं कि लोग इसको बताया जा रहा है, तो लोगों के पास प्रूफ है, हमारे पास सबूत है, तो आके देखते क्यों नहीं है? फिर तो अमित शाह की सीबीआई लगी हुई है, सीबीआई को दे आकर के, अब तो सीबीआई कर रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि किसी के पास कोई ऐसा प्रूफ हो तो आगे आना चाहिए उसको, ये सब बताना कि नहीं ये तो ये है ये तो वो है, ये बेकार की बातें की जा रही है, ये सिर्फ और सिर्फ बच्चे को बचाने वाली बातें। आप मुझे एक चीज बताइए कि रितेश राणे ने वो दिखते जैसे दावे कर रहा है कि मेरे पास सबूत है, मेरे पास रोन राय का भी वो मेरे से बात करता है, ये कहता वो लेके क्यों नहीं आता सामने? और अगर रोन राय के साथ डर है तो उसको सुरक्षा दे दे बीजेपी कमला को दिए थे, तो ये कहीं ना इस चीज में अगर कुछ भी है तो इसमें बीजेपी का एक ये सीधा सा फंडा है कि भाई किस तरीके से इस मामले को उछाल उछाल के और महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करें, महाराष्ट्र पुलिस को बदनाम करें, और इसके अलावा कुछ नहीं है। जैसे अठावले जी अभी कह रहे थे कि भाई ये फौजियों को मार रहे हैं, मुझे आप एक चीज बताइए, कश्मीर में फौजियों के पत्थर पत्थर मार रहे थे और ये बीजेपी महुआ के साथ मिलकर सरकार बना के वहां पे काम कर रहे थे। सर, दिशा सालियान केस की बात करिए ना, क्यों पॉलिटिकल बात कर रहे हैं? क्या आपको नहीं लगता फाइल एक बार फिर से खुलनी चाहिए? सीबीआई दिशा सालियान केस की जांच नहीं कर रही है? विक्रम सिंह जी बता दीजिए, अभी भी खुलासा पूरा नहीं हुआ है, एक नया खुलासा दिखाऊंगा। क्यों राजनीतिक बात करने लगते हैं हर बार? कभी एक इंसान बन के सोच लिया करिए, एक बाप बन के सोच लिया करिए, एक माँ बन के सोच लिया करिए, एक भाई बन के सोच लिया करिए। मैं तो सारी चीजें सोच रहा हूँ, लेकिन आप भी सोचो ना, आप भी सोचो कि उनके परिवार वाले इतने दुखी हैं और तरह तरह के आरोप लगा के मीडिया कभी कह रहा है उनका रेप हुआ, कभी कुछ कह रहा है, उनके परिवार वाले इतने दुखी हो रहे हैं और मीडिया जो है तरह तरह के ऐसे अफवाह उड़ा रहा है, उसके साथ रेप हुआ, सुशांत का परिवार वाला आरोप लगा रहा था तो आप उनका मजाक उड़ा रहे थे, इस परिवार से बड़ा प्रेम है क्योंकि ये खामोश है। वाह विक्रम सिंह जी, वाह! नहीं नहीं, क्या शानदार सरकार है आपकी, आपको क्या शानदार सरकार है। सुशांत के परिवार वाले आरोप लगा रहे थे तो आप बोल रहे थे गलत कर रहे हैं, बाप ने दो शादियां कर ली। दीपक जी, मुझे एक चीज बताइए। नहीं, आप मुझे बताओगे हम तो सीबीआई क्या बता रहे थे? चलो मुंबई पुलिस पर प्रेशर था, मुंबई पुलिस पर प्रेशर था, सीबीआई पे कौन सा प्रेशर? विक्रम सिंह जी, विक्रम सिंह जी, सीबीआई को दिशा सालियान केस की इन्वेस्टिगेशन टेक्निकली अभी नहीं गई है, थोड़ा लॉ समझ लीजिए, कानून समझ लीजिए, थोड़ा कानून समझा करिए। रुकिए, अभी खुलासे पूरे नहीं हुए हैं।